सोलन में एनएसयूआई ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर पुलवामा में हुए हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये कार्यक्रम एनएसयूआई जिला सोलन के अध्यक्ष तुषार स्थान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तुषार ने कहा कि आज वे वैलेंटाइन्स दिवस न मनाकर शहीदी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि देश के खातिर जवानों ने अपनी जान आज के ही दिन न्यौछावर की थी। आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस घटना से बेहद आहत है। सोलन में एनएसयूआई ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर पुलवामा में हुए हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये कार्यक्रम एनएसयूआई जिला सोलन के अध्यक्ष तुषार स्थान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तुषार ने कहा कि आज वे वैलेंटाइन डे दिवस न मनाकर शहीदी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि देश के खातिर जवानों ने अपनी जान आज के दिन न्यौछावर कर दी थी। आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस घटना से बेहद आहत है। अधिक जानकारी देते हुए एनएसयूआई जिला सोलन के अध्यक्ष तुषार सतान ने कहा कि आज का दिन वे वैलेंटाइन डे दिवस नहीं बल्कि शहीदी दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कॉलेज के सभी छात्रों ने पुलवामा हमले में हुए शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि लेकिन आज भी एक प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार पुलवामा हमले में जिस RDX का उपयोग हुआ था वह इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वहां किस प्रकार आया था। इसका जवाब केंद्र की भाजपा सरकार को देना चाहिए और इस पर स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। आज NSUI यूनिट सोलन द्वारा पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आज का जो ये मोहब्बत का दिन है, ये वीर जवानों के नाम है। वीर जवानों ने जो अपनी शहादत इस अटैक में गवाई है, उनको, उन सभी 40 जवानों को मेरा शत शत नमन है। पूरी NSUI यूनिट सोलन उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई आज, और यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अध्यापक हैं, उन सभी ने श्रद्धांजलि दी गई। इस पुलवामा अटैक की जो घटिया नीति पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई है, ये शर्मनाक है। पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया हरकत करते हुए। किसी भी देश की आर्मी, उसका गौरव होता है, तो उस गौरव को मिटाने के लिए पाकिस्तान की घटिया हरकत थी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।